हमने ये वीडियो में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 20,000 रुपये की प्राइस में आपको किस टाइप के लैपटॉप देखने को मिलेंगे और ये सबसे अच्छे लैपटॉप हैं। तो जानना चाहेंगे कौन से हैं वो पांच लैपटॉप जो मेरी लिस्ट में आते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। तो दोस्तों, जो पहला लैपटॉप है डेफिनेटली आपको ये इम्प्रेस कर देगा, क्योंकि 20,000 रुपए की प्राइस के पास देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। इसका नाम है RDF ThinkPad 1010। यहाँ पे आपको 14.1 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और लुक एट दिस डिस्प्ले, इसके जो बेजल्स है वो कितने ज़्यादा पतले देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आप किसी के सामने इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है, कोई आपका ये नहीं समझ पाएगा कि 20,000 रुपये का ही मात्र लैपटॉप है। इसके अलावा इसमें आपको 4GB की रैम देखने को मिलती है, 64GB की यहाँ पे आपको EMMC स्टोरेज देखने को मिलती है जो कि प्री बिल्ड होती है। फ्यूचर में आप अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे 500GB की लगाएं या 250GB की लगाएं, इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। इसके अलावा विंडो 10 इसमें आपको देखने को मिल जाती है। 1.4 kg इसका वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है दोस्तों, और लाइट वेट आप लैपटॉप कह सकते हैं इसको। 8 घंटे का इसमें आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी चलती है इसकी। इसके अलावा मैं आपको इसका प्रोसेसर बताऊँ तो इंटेल का सेलेरॉन N3450 का क्वाड कोर वाला देखने को मिलता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अच्छा लैपटॉप है। इसकी जो प्राइस है वो 19,000 रुपये है और ये अप्रैल 2021 में ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था। तो ओवरऑल कंप्लीट अच्छा लैपटॉप है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस लैपटॉप के लिए। अगर आपको ये नहीं पसंद आया तो पहले मैं आपको और भी जो चार बता रहा हूँ ये भी सुन लीजिए। अब दोस्तों, जो अगला लैपटॉप आता है सेकंड नंबर पर, ये अविता कंपनी की तरफ से आता है, इसका नाम है अविता मेगस लाइट। यहाँ पे आपको 12.2 इंच की FHD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और कमाल की बात पता है मुझे इस लैपटॉप में क्या लगती है, डिटैचेबल है। मतलब आप इस लैपटॉप के कीवर्ड अलग कर सकते हैं और आप इसको एज अ टच स्क्रीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है इस तरीके से आपको, कि जब मर्जी चाहे जिस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 4GB की रैम इसमें भी देखने को मिलेगी, 64GB की SSD स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है, विंडो 10 आपको इसमें देखने को मिलेगी, 8 घंटे का इसका भी बैटरी बैकअप है, इसमें भी आपको इंटेल का सेलेरॉन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, USB 3.0 देखने को मिलता है, HDMI पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस मैं आपको बताऊं, 20,000 इसकी प्राइस है, 1.4 kg इसका वेट है। डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को भी कंसिडर कर सकते हैं। कमाल की बात मैंने आपको बताई दी है कि डिटैचेबल है, तो आप मर्जी चाहे लगा सकते हैं और मर्जी चाहे बिना लगाए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो मैं आपको अगला लैपटॉप बता रहा हूँ ये भी अविता कंपनी की तरफ से आता है, इसका नाम है अविता कॉस्मोस 2। अब उसमें और इसमें क्या अंतर है ये मैं आपको जोर से बता देना चाहता हूँ। वैसे इसकी भी 11.6 इंच की डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले भी आपको डिटैचेबल डिस्प्ले देखने को मिल दिया। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें आपको जो इंटेल का सेलेरॉन N4000 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, वहां पे आपको इंटेल का सेलेरॉन 3350 वाला समथिंग कुछ प्रोसेसर मिला था, तो उससे ज्यादा बेटर इसमें आपको देखने को मिलता है। 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है, उसमें आपको 1 ईयर की थी, इसमें 2 ईयर की देखने को मिल रही है और प्राइस भी उससे कम है, ये मात्र आपको 18,000 रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीजें जो उसमें दी गई है वो इसमें भी आप, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 2 साल की वारंटी वाला कोई लैपटॉप चाहिए या 1 ईयर के साथ आप कम चला लेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिस्प्ले में भी अंतर है। मैंने दोनों के ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, आप जाकर खुद ब खुद चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला लैपटॉप है 4th नंबर का लेनेवो कंपनी की तरफ से आता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि लेनेवो का लैपटॉप ना आए, चाहे वो 30,000 की बात हो, चाहे 25 की हो, चाहे बात क्यों ना हो रही हो 20,000 रुपए की। लेनेवो का लेनेवो IdeaPad 3 आता है, इसमें आपको 11.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन ये जो लैपटॉप है वो क्रोमबुक है। क्रोमबुक में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्रोमबुक जो होता है एज अ मोबाइल के तरीके से यूज होता है, टच स्क्रीन के साथ चलता है, और जो मोबाइल में फंक्शन चलते हैं, जो मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं, वो सेम लैपटॉप में भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। इसके अलावा इसमें आपको इंटेल का सेलेरॉन 4020 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा लैपटॉप कह सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज जरूर से बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो लैपटॉप है वो 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, मतलब फ्लैट तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। कि अगर आप
सीधा सीधा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्राइस जो है दोस्तों इसकी 20,000 रुपए के आसपास पड़ती है, तो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर लेना। वैसे काफी ज्यादा कमाल का लैपटॉप है लेनोवो आइडियापैड 3 जो कि क्रोमबुक है, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते। अब दोस्तों जो अगला लैपटॉप है 5th नंबर पर एसोस कंपनी की तरफ से, इसका नाम है एसोस क्रोमबुक। तो क्रोमबुक से आप आइडिया लगा सकते हैं, सेम जो पुराने वाला लैपटॉप था वही सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा। 11.6 इंच की डिस्प्ले है, मोबाइल के सारे फंक्शन आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज अच्छी देखने को मिलती है, वो ये है कि इसमें आपको टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलता है, विच इज वेरी ग्रेट थिंग कि 20,000 रुपए की प्राइस में आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी सिल्वर कलर में आता है, काफी ज्यादा दिखने को कूल लगता है। 1.25 kg इसका वेट है, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है। अगर इसकी प्राइस की बात करूं 19,000 रुपये में डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे बच्चों के लिए ये अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कीबोर्ड के अलावा अगर वो टच के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा उनको अच्छी तरीके से समझ में आता है। डेफिनेटली इस लैपटॉप को आप देख सकते हैं। चले दोस्तों, ये थे वो 5 लैपटॉप जो कि 20,000 रुपये की प्राइस में आते हैं, और इनमें से आप कोई भी लैपटॉप लेंगे तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होने वाले, बिल्कुल वसूल होने वाले हैं। और हाँ, वैसे मैंने अपने 5 बताए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा लेने वाले हैं, जरूर से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। शेयर करेंगे तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।